विकास के रोशनी से दूर जोकीहाट का चैनपुर मसूरिया पंचायत इस बार बदलाव के मूड में है। ग्रामीण वर्तमान मुखिया पर विकास न करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर घर नल का जल योजना इस गांव में पूरी तरह फैल है। क्या है जी? इन लोगों से हम लोग जनता है बहुत दुखी है जी। इसलिए दुखी है सर कि हम लोग का पंचायत में जो ये विकास का कोई तो झंडा तो है नहीं, घोटाला का झंडा तो गली गली है जी। इससे हम लोगों को कोई चार न फायदा नहीं है जी। इसलिए ये हम लोगों का मतलब कि दिल में ये मुखिया को रखने के लिए इनसे नहीं चाहते हैं। कोई विकास नहीं, ना तो इंदिरा आवास है, ना तो कोई वृद्धा पेंशन है, ना तो कोई सड़क योजना है, ना तो गली गली रोड बना है, ना तो कोई शौचालय बना है। देखिए गांव गांव में घूर करके देखिए और जनता से भी तलाश कर लीजिए। हम लोगों का स्थान जो है ऐसा ही पड़ा हुआ है, उनका बिल उठा लिया है। रोड भी कई किसी जगह हम लोगों कोई रोड नहीं, साथ नीचे वाला काम हुआ, जल नल वाला, वही सब विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं है। शायद में काम देखा जाएगा तो कुछ भी काम नहीं हुआ जी। जैसे इंदिरा आवास आया, कुछ आदमी को मिला और बहुत सारे इंदिरा आवास वापस चला गया इस पंचायत से। ठीक है, ये मुखिया की कमी की वजह से हुआ है। दूसरी बात, ये नल के बारे में जो बोल रहे हैं, ये नल जल नल, हाँ जल नल योजना का टूटी तो लगा है, लेकिन इस टूटी में पानी अब तक आया नहीं है। अगर कभी हफ्ते में दो हफ्ते में एक मरतबा आ जाता है, ठीक है। बाकी इस मोहल्ले में एक टूटी का ये टैंकी का पास किया हुआ है, लेकिन वो टैंकी पैसा उठा लिया या टैंकी शायद दूसरी जगह भेज दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है। इससे पहले तो 10 साल मुखिया सादिक ही रहे थे जी। वो 10 साल में न एगो कोई वृद्धा बना, न कोई रोड का काम हुआ, कोई नाली बना। उनके बाद फिर यहाँ के पब्लिक लोग फिर मुखिया महबूब को लाया, तो मुखिया महबूब को 5 साल का मौका मिला जी। तो वो 10 साल का काम ये 5 साल में करके दिखाया जी। यानी गली गली में रोड, पुल, पुलिया और 1400 वृद्धा भी बना के दिया। अब की बार वो कुछ वोटों से वो हार गए, जिसमें 1400 वृद्धा मिल रहे थे उसमें 700 वृद्धा को वो गुमनाम कर दिया, दूसरे जगह का ये कर दिया, वो अब तक नहीं मिल रहा है। वहीं पूर्व मुखिया महबूब आलम ने बताया कि 21वीं सदी में भी इस गांव के लोग आदम युग में जी रहे हैं। सरकार की जो भी योजना है वो ग्रामवासी को नहीं मिलता है, जबकि कागज पर सभी योजना इस पंचायत में चल रहा है। उन्होंने वर्तमान मुखिया पर योजनाओं पर हकमारी का भी आरोप लगाया है। सिटी हलचल के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरा उद्देश्य है विकास का जी। एक बार मैं पूर्व में रह चुका हूँ, लोगों को दिखा चुका हूँ विकास किस प्रकार से होता है जी। उससे पहले 10 साल ये मुखिया रहा था, कोई विकास नहीं। अभी भी ये 6 साल टर्म जा रहा है, कोई विकास नहीं जी। अगर विकास करता कम से कम फर्जो कहीं बोर्ड लगा देता घागो, कहीं तो रोड नाला पुल पुलिया कहीं कुछ किया नहीं, ना कहीं वो बोर्ड लगाया आज तक। दो चार को सोलिंग बिछा के छोड़ दिया, ढलैया करके पैसा ढलाई का उठा कर रख लिया है जी। यहाँ पर सिर्फ घोटाला ही घोटाला चलता है। मेरे जहाँ हम लोग खड़ा हैं ये मदनी मदरसा टोला है जी। यहाँ पर एक पानी की टंकी नल जल वाला सुकृत है, पाइप तो बिछा है, लेकिन टंकी कहाँ चला गया यहाँ का ये अभी तक समझ में नहीं है। पूरा गांव में 2 या 3 जगह सिर्फ पट सोलिंग किया हुआ, ऊपर ढलैया नहीं है। थोड़ा थोड़ा ढलैया किया भी है, 2 जगह 100 फीट किया है, मोटा पैसा निकाल करके रख लिया है, गमन है यहाँ। अच्छा, अगर आप जीतिएगा तो अपना पंचायत के लिए क्या कीजिएगा? हम हर तरह काम करेंगे। सबसे पहले तो वृद्धा पेंशन जो गरीबों का योजना है उनका लाभ दिलवाएंगे। जहाँ भी जैसे सुकृत होता है वो सुकृत करवाएंगे। राशन कार्ड जहाँ भी सुकृत होता है TPS ब्लॉक से जाकर बनता है वो, उसका काम करवाएंगे। रोड नाला का काम होगा, यहाँ चौतरफा विकास हमारे यहाँ होगा। गौशाला का पैसा, गौशाला के नाम पे अच्छा खासा पैसा का वसूली किया गया है, लेकिन कहीं गौशाला मेरे पंचायत में एक भी नहीं है। सब पब्लिक सवाल करता है, कहता है इस पंचायत में गौशाला आया ही नहीं है, जबकि इस पंचायत में 10 गो गौशाला बना हुआ है, वो भी चैनपुर में। अगर वो कह रहा है मुखिया गौशाला यहाँ पर नहीं आया है तो चैनपुर में कहाँ से आ गया? लेकिन मसूरिया में एक गौशाला बना है जो मुखिया का दरवाजे पर बना हुआ है, वो भी अधूरा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये मुखिया सिर्फ फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचारी का धंधा करता है। कौन पंचायत हुआ? मैं चैनपुर मसूरिया, मेरा पंचायत का नाम है। मैं मुखिया पद पे मेरा पत्नी से, पत्नी नाम से नॉमिनेशन हुआ है, फूल छाप है।